बहुत सारे आज भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो 9-10 तो पढ़ ले रहे हैं लोग, लेकिन पैसों की कमी के कारण 11 क्लास नहीं पढ़ रहे हैं लोग और डायरेक्ट। अच्छा, नंबर में एक शून्य आता है, उसका आविष्कार किसने किया था? एग्ज़ाम में टू द पॉइंट होता है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक है उतना ही नॉलेज जितना कन्फाइंड हो, मतलब क्या है इसमें जो कमी वो टीचर्स का भी है। टीचर को क्या करना चाहिए कि एवरी टाइम, मतलब जो भी जो कोचिंग जो है, जैसे मैं जो बच्चे कहाँ कमी कर रहे हैं लोग, कहाँ कमी नहीं कर रहे हैं लोग, हमेशा उनको कनेक्ट करना चाहिए गार्जियन से। हमारा फेफड़ा कैंसर टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। अभी हम मौजूद हैं सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड में और यह हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि MMSC स्कूल है और इसमें कोचिंग भी चलता है और शिक्षा जगत में 90 से ही काम करते आ रहा है। हालांकि इसमें एक पैम्पलेट हमको दिखा जो फेसबुक पर मुकेश सर ने डाला है, उस पर हम बात करेंगे कि 11th क्लास के लिए स्पेशल इन्होंने एक बैच रखा है जिसमें 499 रुपये में मैथ का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, तो ये काफ़ी कम है। यहाँ अगर हसनपुरा में अगर देखा जाए तो 499 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी कम लग रहा है और यहाँ पे हम जानेंगे उनसे कि क्या सच में ये इतने कम पैसे में 11th के जो मैथ सब्जेक्ट है उस पर पूरी प्रिपरेशन कराया जाता है या इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये MMSC स्कूल का ये बाहर का दृश्य है और हम अंदर चलेंगे, अभी क्लास चल रहा है, मुकेश सर से बात करेंगे। आप एक मिनट सर जी, बोलिए। सर, आपका एक पैम्पलेट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आपके आईडी से ही, फेसबुक आईडी पर हमने आपका देखा पैम्पलेट, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छा देखने को मिला कि 499 रुपये मैथ का पूरा सिलेबस पूरा करा रहे हैं 499 रुपये में, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें 100% उसमें सच्चाई है और फेसबुक जो आईडी है प्लस जो व्हाट्सएप स्टेटस है इस पर भी हमने लगाया है। इसका बहुत सारा मकसद था, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे आज भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो 9-10 तो पढ़ ले रहे हैं लोग, लेकिन पैसों की कमी के कारण 11 क्लास नहीं पढ़ रहे हैं लोग और डायरेक्ट चले आ रहे हैं 12 क्लास में, जिसके कारण उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि इंटरमीडिएट में मार्क्स ले पा रहे हैं लोग, बट उससे आगे चल के कुछ होने वाला है नहीं। मेरा पर्पस यही था सर, आगे की जैसे आपने बात की कि आगे नहीं जा पा रहे हैं, हालांकि हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं और आप, हम उस क्षेत्र में देखा जाता है ज़्यादा करके जो स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर की तरफ प्लान कर जाते हैं, दिल्ली कोटा में पटना में चले जाते हैं, क्या कारण है कि यहाँ बच्चे नहीं रुक पाते हैं? जी बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि 2016 तक टोटल जो बच्चे थे वो सिवान, पटना या दिल्ली चले जाते थे, लेकिन जब हमने अपना कोचिंग MMSC स्टार्ट किया 2017 में, तो मेरा जो छोटा जो भाई है उसने 445 नंबर लाया, जिसके कारण जो गार्जियन जो है, गार्जियन का इस MMSC संस्था और बाकी जो जो संस्था है उस पर भी यकीन होने लगा। अभी आप डेटा उठाकर देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे जो है लोग, अप्रॉक्सीमेटली 90% कि बच्चे अब हसनपुरा में ही रुक जा रहे हैं लोग, और जो 10% जो बच्चे हैं लोग वो पटना जा रहे हैं लोग, दिल्ली जा रहे हैं लोग, उसका भी रीज़न है कहीं ना कहीं वो जो टीचर जो है लोग वो उस 10% जो बच्चे हैं उसके विश्वास पर खरा उतर नहीं पा रहे हैं लोग। इसके लिए हम लोगों को बदलाव करने की ज़रूरत है और ये बदलाव का 499 में पूरा मैथमेटिक्स एक बदलाव का ये पहला शुरुआत है। ये अगर इस साल की हम बात करें तो मैट्रिक और इंटर में कितने छात्र थे जो इस बार अच्छा रिजल्ट लाए हैं? मेरे पास 10 क्लास में 24 स्टूडेंट थे, जिसमें से 18 बच्चे फर्स्ट किए हैं लोग, एंड जो 12 क्लास है 12 क्लास में 10 बच्चे थे जिसमें 8 बच्चे फर्स्ट किए हैं लोग, और जो मेरी एक छोटी जो बहन है उसका 450 नंबर आया, लेकिन हमने उस वक्त दिखाया ना क्योंकि कोई और काम में बिजी थे हम, लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा टाइम बदल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है दिखाना चाहिए, गार्जियन को मालूम चलना चाहिए कि MMSC है क्या, उन लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हसनपुरा जो प्रखंड है, हसनपुरा प्रखंड में MMSC के द्वारा रिजल्ट अच्छा बन रहा है, ताकि जो बच्चे जो है इस क्षेत्र को पलायन करके दूसरे जगह नहीं जाए लोग। अच्छा, MMSC स्कूल बहुत सालों से काम करते आ रहा है, आपने रिजल्ट भी बेहतर ही बताया है, हालांकि जिस तरीके से देखा जाए आप मैथ के स्पेशल भी हैं। जी हाँ, स्पेशली आप मैथ पढ़ाते हैं ज़्यादा करके, तो आपसे हम ये जानना चाहें कि मैथ का परिभाषा क्या होता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है।
देखिए, मैथ जो है ना वो ग्रीक वर्ड मैथमा से बना है, और मैथमा का मतलब होता है टू लर्न, दैट मीन्स सीखना होता है, ठीक है। और बात के जब मैथमेटिक्स किसे कहते हैं, तो मैथमेटिक्स विद्या का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा हम लोग फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं लोग, मतलब हिंदी में बोलते हैं सूत्र बोलते हैं, उसके बाद से किसी वस्तु के शेप एंड साइज के बारे में पढ़ते हैं लोग, मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं लोग, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं लोग, अलजेब्रा पढ़ते हैं लोग, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब और भी कुछ हो सकता है। अच्छा, नंबर में एक शून्य आता है, उसका आविष्कार किसने किया था? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। शून्य जो है, दरअसल जो शून्य है, शून्य का आविष्कार हमारा जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य के आर्यभट्ट ने किया था, और ये पाँचवीं शताब्दी में किया था, पाँचवीं शताब्दी में, दैट मीन्स फिफ्थ सेंचुरी में आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। और जो आर्यभट्ट, आर्यभट्ट गुड मैथमेटिशियन थे, साथ ही साथ एक एस्ट्रोनॉट्स भी थे। अच्छा, पाई का अगर पूछा जाए कि आविष्कार किसने किया था, तो ये ज़रा हमें बताइए। इस पर कुछ लोग जो विदेशी जो लोग हैं थोड़ा संशय रखते हैं लोग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो पाई है, पाई का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया है, और सबसे पहले पाई का एग्जैक्ट वैल्यू भी आर्यभट्ट ने ही दिया था, लेकिन फिलहाल के 17th सेंचुरी में एक और मैथमेटिशियन है सर जॉन्स, और उन्होंने बताया है कि जो पाई का जो माने हमने दिया है, बट हम लोग इंडियंस है लोग प्राउड फील करते हैं और बोल सकते हैं लोग, जो पाई जो है, पाई का वैल्यू आर्यभट्ट ने किया था 15th सेंचुरी, दैट मीन्स पाँचवीं शताब्दी, दैट मीन्स आज से 1500 साल पहले ही खोज हो चुका था। अच्छा, अगर नंबर का अगर हम आपसे जानना चाहेंगे डिफिनीशन क्या होता है, तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन। दरअसल आपने ये जो क्वेश्चन पूछा नंबर क्या होता है, ये क्वेश्चन एक आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया। नंबर एक जस्ट सिंबल होता है, संकेत होता है, जिसके माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट को हम काउंट करते हैं, यही होता नंबर, जैसे मैं 1 2 3 4 एटसेट्रा। अच्छा, आपके स्कूल में जब हम आ रहे थे, तो एक देखे कि स्टूडेंट हाथ में मिठाई लेकर आया था, उसका शायद मैट्रिक में रिजल्ट आया है, उससे हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। धन्यवाद, उसको बुला दीजिए थोड़ा। बाबू इधर आइए। अनु, यही वो स्टूडेंट है, मेरे पास पढ़े हैं जी, कंप्यूटर के, इनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, वेरी टैलेंटेड है, जो मिठाई लेकर आए थे, इनसे आप बात कर सकते हैं। अपना परिचय दे दीजिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं जलालपुर का निवासी हूँ, और मेरे इस मैट्रिक एग्ज़ाम में लगभग 418 नंबर प्राप्त हुए हैं। तो इस बार आपका मैट्रिक में 418 अंक आपने लाया है, तो क्या लग रहा है कि जो आपका अंक आया है वो बेहतर है या फिर इससे भी बेहतर होना चाहिए था? एक्चुअल में जो हमने तैयारी किया था लगभग 450 अबव आना चाहिए, बट समझ लीजिए हमें कॉपी है किसी टीचर, कोई जो भी टैलेंटेड टीचर नहीं, उनके हाथ में गया होगा, मतलब क्या कि सोना का पहचान सुनार ही कर सकता है, कोई कबाड़ी वाला नहीं करता है, उस तरह का कॉपी किसी टैलेंटेड पर्सन नहीं गया है। बिकॉज हमने ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे हैं, इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं कि ऐसे टीचर हैं जो देखते ही सब टिक आउट मारते हैं, मतलब कि उस चीज़ पर एक्सप्लोर नहीं करते हैं एक्चुअल में लड़का लिखा क्या है, मतलब ये चीज़ नहीं देखते हैं। तो यही सब बात है कि कम नंबर आए इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़का पढ़ने तेज नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखना वो बेहतर कहलाता है या एग्जैक्ट लिखना वो बेहतर कहलाता है? एग्ज़ाम में टू द पॉइंट होता है, समझ लीजिए कोई भी टॉपिक है उतना ही नॉलेज जितना कन्फाइंड हो, मतलब क्या है, समझ लीजिए व्हाट इज साइंस है, उतना उसको बारे में लिख दीजिए, एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिएगा, मतलब एग्जाम्पल में ये चीज़ आता है, तो बस ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं है, बस टू द पॉइंट लिखना ये कंपलसरी है। यही आपका एम क्या है, क्या करना है फ्यूचर में? सबसे पहले मेरा एम के बारे में बताना चाहते हैं कि एम है मेरा कंप्यूटर के बारे में पूरा एक्सप्लोर करना, मतलब जैसे डिजाइनिंग हो गया, वेब डिजाइनिंग, ऐप डेवलपर, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट है। ऐसे नॉर्मल हम जैसे मान लीजिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं पीसीएम लेंगे, लेकिन माइंड में आया कि फिर हम पीसी भी क्यों ना लिए, पीसीएम क्यों लिए, मतलब बायोलॉजी फिर से हम लेते, मतलब नॉलेज वही रहेगा बायोलॉजी वाला, लेकिन एक्चुअल में जो टारगेट रहेगा मैथ ही रहेगा, मतलब मैथ में जितना कोडिंग आता है, वेबसाइट डेवलपिंग, ऐप डेवलपिंग, वो एक्सट्रीमली मैथ ही आता है, इसलिए हम मैथ को क्रेडिट मुकेश को देना चाहते हैं, क्योंकि मैथ बहुत मस्त पढ़ा है, और मैथ सर वहीं पढ़ा दे तो शायद इतना अंक नहीं आता। अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? हायर एजुकेशन के लिए से मान लीजिए हायर एजुकेशन गांव में हो सकता है, लेकिन जो माहौल होता है ना वैसा नहीं मिल पाएगा। ऐसे मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे साइट देखे हैं, वहाँ पे माहौल मिलता है, मतलब अगर पास आपके पास कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है एक्सट्रीमली मान लीजिए, तो आप घाव पर तैयारी कर सकते हैं, अगर पास आपके पास पैसा है, आप कोई कंपनी में से मान लीजिए कोई पापा काम करते हैं या फिर पैसा हो गया, तो आप बाहर जाके वहाँ से एटमॉस्फेयर जो भी है वो सब नॉलेज ले सकते हैं। तो ये सही है कि आप सिटी जाके पढ़िए, जहाँ पे उस तरह का माहौल मिलता है वहीं काफ़ी है।
जी बात आती है माहौल की सर, जैसे देख लीजिए आप ही के सामने आपके स्टूडेंट ने कहा कि माहौल चाहिए। सही बोले, शिक्षा यहाँ पे भी बेहतर मिल सकता है लेकिन माहौल नहीं मिल पाता है, क्या कारण है कि माहौल यहाँ के जो शिक्षक हैं नहीं दे पा रहे हैं? देखिए क्या है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स गार्जियन की भी है और जो कुछ जो गलती है कुछ जो कमी वो टीचर्स का भी है। टीचर को क्या करना चाहिए कि एवरी टाइम मतलब जो भी जो कोचिंग जो है, जैसे मैं जो बच्चे कहाँ कमी कर रहे हैं लोग कहाँ कमी नहीं कर रहे लोग, हमेशा उनको कनेक्ट करना चाहिए गार्जियन से, ठीक है। और जितने भी जो संस्था है लोग जितने भी संस्था, हर संस्था को एकजुट होना पड़ेगा, एक रणनीति तैयार करना पड़ेगा कि हम लोग इस वे से पढ़ाना है, जहाँ पर मतलब माहौल हम लोग इस तरीके से बना देना, इस तरीके से बना देना है कि जो बच्चे जो है बच्चों को ट्रस्ट होने लगे कि नहीं अब हमको गाँव छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं, ये जो काम है टीचर और गार्जियन के कोऑपरेशन के माध्यम से ही पॉसिबल है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि यहाँ से भी बहुत कुछ हो सकता है। और ये जो जैसे मैं मेरा क्या था, मेरा जो कोचिंग जो चलता है, मेरा कोचिंग में जो माहौल है बहुत अच्छा है। हम क्या बोलते हैं कि जो भी मेरे पास जो बच्चे आते हैं, माहौल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अगर मेरा कोचिंग चलता था मतलब मॉर्निंग में 7 बजे से या 6:30 बजे से, तो मैं बोलता था कि आप लोग 1 घंटा पहले आना है, और 1 घंटा पहले आकर ग्रुप डिस्कशन हम करवाते थे। जो भी मेरे पास जो 24 जो स्टूडेंट थे उसको 4 ग्रुप में बंटवाते थे, 6-6 स्टूडेंट का ग्रुप, उसको डिस्कशन करवाते थे। फिर और तो और क्या है कि कभी कभी क्लास भी लगवाते थे और बच्चों को सामने बुलाते थे, बोलते थे कि चलो बाबू इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो। इस तरीके से हमने माहौल को क्रिएट किया है। बाकी अगर कोचिंग अगर सभी कोचिंग ऐसे करना प्रारंभ कर देंगे तो खुद ब खुद माहौल क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन आपने जैसे आपने जो प्रयास करना चालू किया, हालांकि अब देखा जाएगा कि किस तरीके से यहाँ के जो सारे स्कूल और कोचिंग संस्था है वो किस तरीके से एकजुट होकर इस पे काम कर रही है। जिसे कि इन्होंने कहा, क्या नाम बताया आपने? अनूप कुमार के यहाँ पे एक माहौल नहीं मिल पाता है जिसके कारण बच्चे पलायन कर जाते हैं। और ये अहम एक सवाल है इनका, जो बहुत बड़ा सवाल है कि जो शिक्षक है इस पे इस टॉपिक पे उनको बात करना चाहिए सभी संस्थाओं को मिलकर, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे शायद देखने को अब मिले। हम आपको बता दें कि ये MMSC स्कूल है एंड कोचिंग सेंटर भी है जहाँ पे 11th 12th के बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल भी 8 तक चलता है। उसके साथ साथ मुकेश सर ने एक बैच चालू किया है जिसमें 499 रुपये में 11th के मैथ्स पढ़ाए जाएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। अब तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि 499 रुपये में सच में ये पढ़ा पाते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत कम इन्होंने रखा है बजट जो बच्चों का है। इनका कहना है कि जो गरीब बच्चे हैं नहीं पढ़ पाते, हालांकि देखा जाता है कि इसी क्षेत्र से बच्चे सिवान जाकर पढ़ते हैं और वहाँ पे जाकर अच्छी रकम भी देते हैं। एक बैच के लिए लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये वहाँ पे देना पड़ता है, उसके ऊपर भी शायद देना पड़ता होगा। उसके बावजूद भी बच्चे सिवान जाते हैं गाड़ियों में भर भर के। और लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 499 रुपये में यहाँ बैच चालू किया है, अब बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आकर पढ़े, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए एक और बात यह कि मेरे जो गार्जियन है राज कुमार सर जी, उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े हैं लेकिन आज तक अभी सर पैसा की बात कभी नहीं की है। आज तक अभी पैसों के प्रॉब्लम को लेकर सर ने कभी किसी बच्चे को घर भेजा नहीं है। मुझे जो चलना है उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलना है, उनका जो बताया वो जो राह है उन्हीं पर हमको चलना है। वही मेरे भी मन में है कि क्या है कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट जो है पैसा की वजह से कुछ गरीब जो बच्चे उनको बोलते ठीक है भाई पैसा नहीं है मेरे पास मत पढ़ो। मेरे मन में ऐसा है कि ऐसा बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं खड़ा हूँ, बस यही मेरा एक पर्पस था। और जो MMSC का जो माहौल है आप इनसे भी पूछ सकते हैं हमने कैसे पढ़ाया कैसे नहीं पढ़ाया था, कि सुबह हम बच्चे आते थे ग्रुप डिस्कशन हमेशा कराते थे, अभी पढ़ाते तो क्लास में ऑन द स्पॉट हम क्वेश्चन पूछते हैं ऑन द स्पॉट। हम चाहते भी कि और जो अदर जो कोचिंग्स है थोड़ा सा माहौल को सुधारने की कोशिश, हाँ धीरे धीरे सभी जो इंस्टीट्यूट है प्रयास कर रहे हैं लोग और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि माहौल आज नहीं तो कल बन ही जाएगा। जी चलिए, उम्मीद है, उम्मीद पे पूरा दुनिया कायम है और इसी उम्मीद पे सभी संस्था भी कायम है। अब देखना यह है कि किस तरीके से इनका जो इंस्टीट्यूट है बच्चों के लिए क्या कुछ करता है। जिस तरीके से इस बार रिजल्ट लाए हैं बच्चे, क्या आगे भी इसी तरीके से लाते हैं कि नहीं? बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाले, आपने अपना समय निकाल कर मेरे पास आया, वैसे तो बस चल गए। बहुत बहुत शुक्रिया।